बट हमारा 8 चल रहा है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू चेन। इसको वैल्यू चेन भी कहते हैं और आज के दौर में इसको टच पॉइंट भी कहते हैं। टच पॉइंट्स, वैल्यू चेन एक पुराना नाम है, टच पॉइंट एक थोड़ा सा मॉडर्न नेम है, आप इसको ऐसे समझ लें। वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है और ये एनालाइज करने के लिए क्यों जरूरी है और ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना हम ग्राउंड सेट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड सेट करने के लिए जरूरी है हमें यह पता होना चाहिए कि वैल्यू किसे कहते हैं। लेट मी चेंज द मार्कर्स। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब यहां पे यह है कि अगर आप कोई भी चीज को इस्तेमाल करें, किसी भी चीज को यूज करें और उससे आपको फायदा कितना हो, ज्यादा हो या कम हो, उसको वैल्यू कहेंगे। तो यहां पर मैं आसानी के लिए यूटिलिटी का वर्ड लिख देता हूं कि यूटिलिटी को हम वैल्यू कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मार्कर को खरीदने के लिए 100 रुपया क्यों पे करूं, जो इसके पीछे मेरे ब्रेन में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है वो वैल्यू कहलाता है। आप एक चीज को क्यों खरीदते हो? आपके पास 100 रुपया होता है, 10 चीजें पड़ी हुई हैं जो 100 रुपए में खरीद सकते हो, एक जैसी हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनमें से आप एक चीज क्यों सेलेक्ट करोगे? वो जो चीज आपने सेलेक्ट करनी है वो आपको मजबूर कर रही होगी कि मुझे खरीद लो। वो जो मजबूरी आपके दिमाग में चल रही होगी वो मजबूरी क्या कहलाएगी? वैल्यू। मजबूरी क्या कहलाएगी? वैल्यू। बेसिकली वो मजबूरी नहीं होती है, वो उस चीज से जो आपको फायदा मिल रहा होता है, जो आपके दिमाग में परसेप्शन होती है कि अगर हम इस चीज को यूज करेंगे तो हमें एडवांटेज मिलेगा, वो जो एडवांटेज वाली परसेप्शन है उसको वैल्यू कहते हैं। और यहां पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू चेन। इसका मतलब है ऐसी ऐसी सेगमेंट, ऐसी सीरीज, ऐसी सीरीज ऑफ वैल्यूज जो कि क्या करती है, कस्टमर रिटेंशन के काम आए। कस्टमर रिटेंशन का क्या मतलब होता है? कि कस्टमर एक दफा अगर चीज खरीद ले तो बार बार उस चीज को खरीदे। मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बुक पे लेके चलूंगा और फिर आपको ये टॉपिक पे लेके आऊंगा। वो एग्जांपल क्या है, आपके पास एक गाड़ी है, सपोज करते हैं आपके पास कार है, आपके पास बाइक नहीं है। अब आपने ग्रोसरी करने जाना है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे छोटी छोटी किराना शॉप्स हैं, बड़ा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। अब आप क्या प्रेफर करोगे? आप ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे जहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा हो, और मैं यहां पे नाम लिख देता हूं इम्तियाज स्टोर का, या मैं यहां पे नाम लिख देता हूं कैरेफोर का, ऐसे ही आई थिंक इसके स्पेलिंग है, ठीक है। अब ये मैंने यहां पे डिस्काउंट मुझे मिलते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास गाड़ी है, क्या ये मुझे पार्किंग स्पेस भी देते हैं? सपोज करते हैं ये मुझे पार्किंग स्पेस भी देते हैं। अब जब मैं इन स्टोर्स में जाता हूं तो यहां पे डिफरेंट वैरायटीज पड़ी होती हैं, एक ही चीज की डिफरेंट वैरायटीज, यानी कि मतलब क्या हुआ कि मेरे पास काफी ज्यादा चॉइसेस होंगी, उनमें से मैं चूज कर सकूंगा, तो वह वहां पे अवेलेबल होती है। फिर मैं वहां पे जाता हूं, वहां पे प्रॉपर स्पेस होती है जिसमें मैं ट्रॉली को लेकर मूव कर सकूं, प्रॉपर स्पेस है मेरे लिए ताकि मैं ट्रॉली को पकड़ूं, अपनी मर्जी से शेल्फ्स पे जाऊं, शेल्फ से सामान उठाऊं, ट्रॉली में रखूं और वहां से आराम से मूव करता करता अपना घूम फिर के अपना सामान खरीद सकूं। क्या वहां पे जो बिलिंग काउंटर है या चेकिंग काउंटर है वो एक से ज्यादा है या एक ही है? अगर एक होगा तो बहुत ज्यादा रश होगा, अगर एक से ज्यादा होंगे तो वहां पे रश नहीं होगा, मेरा टाइम बचेगा। क्या वो मुझे कार्ड फैसिलिटी देते हैं? अगर मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैशलेस हूं, यहां पे कैशलेस लिख लेते हैं, तो क्या वो मुझे ये फैसिलिटी देते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर सकूं या मैं उनको ऑनलाइन पेमेंट कर सकूं? क्या वहां पे जो एटमॉस्फेयर है, जिस जगह पे ये शेल्फ वगैरह लगी हुई है, इम्तियाज या कैरेफोर वगैरह का सामान पड़ा हुआ है, क्या वहां का जो एनवायरमेंट है वो ऑर्डर फ्री है? ऑर्डर फ्री का मतलब वहां से बदबू तो नहीं आती? जैसा कि अगर आप जाओ ना ये मछली मंडी टाइप वाली जगह पे तो वहां पे बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो यहां पे भी ये मीट सेक्शन बना होता है जहां पे आप खरीद सकते हो, तो वहां से बदबू तो नहीं आती? और मजे की बात है, इस जगह पे आती है, इस जगह पे नहीं आती, ठीक है।
तो आप इसको खुद भी विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने लिख दी, अब क्या ये मुझे किराना स्टोर पे मिलती है? ये सारी चीजें ही वैल्यू चेन है, ये सारी चीजें ही वैल्यू चेन है, और इनको आज के दौर में टच पॉइंट्स भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले लिखवा दिया, इन सभी चीजों को टच पॉइंट्स भी कहा जाता है, और ये मुझे मजबूर करेंगे कि मैं करियाना स्टोर से कोई भी चीज ना खरीदूं, क्योंकि करियाना स्टोर से मैं 10,000 की भी शॉपिंग करूंगा ना तो उसे मुझे 5 रुपए छोड़ देने हैं। अगर मेरा बिल बना ना 9,490 रुपए का, तो वो 10 रुपए मुझे छोड़ देगा, ठीक है, या मेरा बिल बन गया 9,510 रुपए, तो अब वो मुझे कहेगा चलो तुम ना 9,500 रुपया दे दो, 10 रुपए आपको डिस्काउंट दिया, वो बस इतना करेगा। ये लोग क्या करते हैं, ये पूरे बिल के ऊपर आपको 3%, 4%, 5% डिस्काउंट दे देंगे। अगर आपका बिल बना 10,000 रुपए का, तो ये आपको इसके ऊपर 5% डिस्काउंट दे देंगे। 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपया। तो ये आपको डिस्काउंट दे देंगे, हंसते हंसते इम्तियाज दे देगा, इम्तियाज सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है, ये आपको फॉरन डिस्काउंट दे देगा। ये आपको लॉयल्टी डिस्काउंट देते हैं कैरेफोर वाले, अगर आपकी 25,000 के करीब शॉपिंग होगी तो फिर ये आपको तकरीबन 1,500 रुपए का डिस्काउंट देंगे 25,000 की, ठीक है। हाँ, इम्पोरियम वही कैरेफोर ही है ना, मुझे बड़े डिस्काउंट मिले हुए हैं यहां से भाई। एक दफा मैं गया, मेरा 4,500 बिल बना, सिर्फ मैंने 500 पे किया, हाँ 4,000 डिस्काउंट, मेरे पॉइंट्स इतने ज्यादा हुए हुए थे। फिर मैंने सोचना शुरू किया अपने सारे खानदान को इकट्ठा करके लेके जाया करूंगा, उनको कहूंगा यहां से खरीदे, और अपने जो मेरा लॉयल्टी ऐप है उसके ऊपर ना वो करवा लिया करूंगा ताकि पॉइंट्स मेरे बढ़ जाए। उसके लिए पहले सबको बुलाऊं, गाड़ी में ला दूं, फिर वहां पे लेके जाऊं। तो चलो जोक्स अपार्ट, तो वापस आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने एक चीज सीखी कि अगर हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर हमारे बेशक ज्यादा पैसे ना लग रहे हो, या ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी ताकि कस्टमर को वो किसी और जगह से ना मिल पा रही हो, तो तकरीबन 90% चांसेस हैं कि कस्टमर रिटेन हो जाएगा और वो बार बार आपके पास आएगा। 90% चांसेस है कस्टमर रिटेन होगा और वो बार बार आपके पास आएगा। ये जो कस्टमर रिटेन होगा और वो बार बार आपके पास आएगा, इसे ही वैल्यू कहेंगे, इसे ही क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, जैसे अभी छुट्टियां आ रही हैं और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये होता है कि जैसे ही लाहौर शहर में छुट्टियां अनाउंस होती हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन के अड्डे होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा रश लग जाता है, सीट्स अवेलेबल नहीं होती। तो क्रिसेंट कॉलेज ने क्या किया, इन्होंने पहले ही कह दिया अगर आपने जाना जाए आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो क्या ये वैल्यू हुई, हुई कि ना हुई? अब जो आउटसाइडर्स हैं वो तकरीबन 2-3 दिन पहले ही जा चुके हैं। छुट्टियां मेरा ख्याल है कल से गवर्नमेंट की स्टार्ट हो रही है कि आज से हो रही है, कल से स्टार्ट हो रही है, तो आज ज्यादा रश होगा ये अड्डों के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टार्ट हो रही है, तो जितने भी आउटसाइडर्स होंगे जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में, वो आज जा रहे होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ही फैसिलिटेट कर दिया गया यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड करके, और उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई और वो यहां से चले गए। क्या बाकी सभी कॉलेजेस ने ऐसी वैल्यू प्रोवाइड की तो अच्छा है, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया उन्होंने, अगर नहीं की तो उनको भी सोच लेना चाहिए था ऐसे बारे में, ठीक है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि की है या नहीं की, वो उनका इन हाउस एक स्ट्रेटेजी है, वो इसको कैसे लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब तक अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते रहते हो, आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहता है। आज के हमारे टॉपिक में जो वैल्यू चेन है, इस एनालिसिस में क्या हुआ, डिफरेंट कंपनीज मार्केट में आती हैं, कई कंपनी प्राइस वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। ये कॉस्ट या वैल्यू, प्राइस वैल्यू क्या होती है, सपोज करते हैं एक प्रोडक्ट है हर जगह पे 100 रुपए की मिल रही है, एक कंपनी आएगी वही आपको प्रोडक्ट वो 98 रुपीज में प्रोवाइड कर देगी, तो आम मार्केट से 2 रुपए कम, क्योंकि ये प्राइस लीडर बनना चाह रही है। ये क्या बनना चाह रही है, प्राइस लीडर। फिर एक कंपनी आती है वो कहती है भाई मुझे प्राइस लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, मैं क्वालिटी लीडर ठीक हूं। ये सारे मार्केट्स को क्या कर दिया हुआ है, मैं क्वालिटी लीडर ठीक हूं, मुझे प्राइसिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं प्रोडक्ट बेचूंगा 105 रुपए की जो 100 रुपए की प्रोडक्ट है, लेकिन जो मेरी क्वालिटी होगी वो मेरी क्या होगी, कोर कॉम्पिटेंसी।
उसका कोई मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? क्योंकि भाई मैं आईफोन हूं, ऐसा ही है ना, वो ऐसा है कि नहीं। तो वो ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता है, लेकिन वो कस्टमर को दे क्या रहा है? कस्टमर को वो ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है जो ये वाली कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये भी उसकी एक वैल्यू चेन बनती है। फिर एक कंपनी आती है, वो कहती है भाई साहब हम आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस सबसे बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी कोई भी चीज खराब होती है तो हम खुद आपके घर आएंगे, वहीं पे ठीक करके देके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद अगर हमारी कोई भी चीज आप खरीदते हो तो आपको डिलीवरी की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर करेंगे ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सर्विस लीडर बनना चाह रहे हैं, या आफ्टर से सर्विस लीडर बनना चाह रहे हैं, ये इनकी वैल्यू है। इसी तरह चलते चलते डिफरेंट बिजनेसेस के लिए एक मुश्तरका थ्योरी बना दी गई, और उस मुश्तरका थ्योरी को यानी कि कंबाइन करके बना दिया गया, उसको वैल्यू चेन का नाम दिया गया। आप ये जो सारी चीजें लिखी हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा मैंने वहीं पे यही चीजें एक्सप्लेन कर दी। जैसा कि यहां पे आते हैं, अब फ्रेमवर्क वैल्यू चेन, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन में है, फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग हाउ वैल्यू कैन बी एडेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पोर्टर। पोर्टर ने फाइव फोर्सेस हमें बताए, उसी के साथ साथ पोर्टर ने एक और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी की थ्योरी बताई, जिसमें उसने हमें यह सिखाया आपने वैल्यू को किस तरह चेन में कन्वर्ट करना है, आपने एक एक्स्ट्रा चीज को किस तरह अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने, ताकि आपका कस्टमर आपसे मोर देन हैप्पी हो जाए और वो बार बार आपके पास आता रहे। पोर्टर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी ग्रुप द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इनटू अ वैल्यू चेन। अ वैल्यू चेन इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ईच ऑफ विच एड्स वैल्यू, जो कि मैंने आपको बता दिया, वो मैंने सीरीज बना के दिया आपको। वो जो डिस्काउंट है, एम्बियंस है वहां का, शेल्व्स है वहां की, आप वहां पे घूम फिर सकते हो आराम से, आपको कोई आके बाहर नहीं निकालेगा कि आपने शॉपिंग नहीं करनी बाहर चले जाइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? वैल्यू चेन है। अच्छा, मजे की बात बताता हूं मैं आपको। मैं दुबई में था एक दफा, वहां पे मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया, जैसे यहाँ पे कैरेफोर होते हैं वहां पे नॉर्मली आपको हर डिपार्टमेंट स्टोर वैसे ही मिलेगा। तो वहां पे गया तो मैंने वहां पे एक चीज नोट की, एक ट्रॉली है वो ग्रोसरी से भरी पड़ी हुई है, एक ट्रॉली ग्रोसरी से भरी पड़ी हुई है। लेकिन द थिंग इज, अब ग्रोसरी से तो वो भाई साहब भरी हुई है, लेकिन उसका कोई वाली वायरस नहीं है, मींस नो वन हैंडलिंग हिम। तो अब क्या हुआ, वो वहां पे ट्राली पड़ी है, अबैंडनड है। मैं उसको जाते वक्त भी देखा, मैंने आते वक्त भी देखा, मैंने मेरे भाई से पूछा यार ये क्या सीन लगता है, तो वो कहते मुझे क्या पता वो क्या सीन लगता है। तो मैंने फादर से पूछा कि ये क्या है, कहते यार कोई आया होगा यहाँ पे, उसने शॉपिंग की होगी लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ट्रॉली भरी होगी, अब वो छोड़ गया। सही है, यही काम मैंने भी किया, लेकिन मैं विंडो शॉपिंग करने नहीं गया था, मैं एक ऐसे स्टोर नाम नहीं लूंगा, बुरी बात हो जाती है, वहां पे स्पेस बड़ी कम थी, यानी कि आप ट्रॉली लेके जा रहे हो ना, अच्छा है, बड़ा चीप था, सस्ता था, वैरायटी बहुत अच्छी थी उनके पास, उनका डिस्काउंट पॉलिसी सबसे बेस्ट थी पूरे लाहौर में, इस टाइम सबसे बेस्ट उनकी डिस्काउंटिंग पॉलिसी है। एक तो उनकी पार्किंग का बड़ा इशू है, खैर मैं जैसे तैसे पार्किंग में पहुंच गया उनकी, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, बुरी बात होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से उनके मेन सेक्शन में गए तो वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड था, क्राउड कम था, कंजेस्टेड स्पेस थी बहुत ज्यादा। उन्होंने मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश की हुई है कि अगर आप ये कैसे जा रहे हो और एक बंदा सामने तो आपको ना एक्सीडेंट होने के चांसेस, आपको रास्ता देना पड़ेगा, तो गाड़ी लगानी पड़ेगी, ऐसा था। तो खैर वो जा रहे हैं, मैं वहां पे घुसा हूं, मैंने दो चार चीजें उठाई हैं, मैं इधर उधर देख रहा हूं, और मुझे बाय डिफॉल्ट एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं ज्यादा क्राउड वाले एरिया में नहीं रहना चाहता, अगर मैं शॉपिंग भी नहीं करना चाहता ऐसी जगहों पे। तो वहां पे कई काफी फैमिलीज आई हुई थी और मुझे बार बार बॉदर करना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने कुछ 7-8 हजार की चीजें उठाई होंगी, ठीक है, चुप करके मैं गया हूं सेक्शन पे, कौन सा सेक्शन था, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, जहां पे फ्रिज टीवी वगैरह होते हैं। आराम से मैंने ट्रॉली को एक फ्रिज के साथ खड़ा किया और मैं ऐसे ग्रोसरी वाले सेक्शन की तरफ में आई कोई चीज देख रहा हूं, और मैंने नोट किया कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, तो भाई साहब चुप करके मैं बाहर, सही चुप करके मैं बाहर। हाँ नहीं, मैं तो शॉपिंग करने गया, मतलब ग्रोसरी लेने गया था ना, मेरा तो माइंड नहीं था कि मैं ऐसे करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इस दफा कर देना चाहिए। फिर मैं वहां से निकल के हाइपरस्टार चला, वो उधर कैरफोर चला गया,
फोर्ट्रेसी, तो मैं यार ये ठीक है, जरा खुला खुला माहौल है। इवन कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में भी जाऊं तो मैं कोशिश करता हूं मैं बाहर ही वेट करूं कार पार्किंग में। ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फैमिलीज बैठी होती हैं और मैं वहां पे बैठा होऊंगा और अभी किसी पे नजर पड़ती है, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। तो मैं अवॉइड करता हूं ऐसी चीज को, हमेशा शुरू से अवॉइड किया मैंने। तो वापस आते हैं जी अपने इस काम की तरफ। उस स्टोर में मुझे वैसी वैल्यू नहीं मिल सकी, तो बीइंग अ गुड कस्टमर नहीं, बीइंग अ बैड कस्टमर, मैंने क्या किया, मैंने अपना जो सामान खरीदा था उसको अबैंडन कर दिया। बैड क्यों का, क्योंकि मैंने शेल्फ से उठाया हुआ था, मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे उसका बिल करवाना चाहिए था, लेकिन वो उसका कोई सर पैर नहीं था सामान का, वो प्रॉपर ग्रोसरी लिस्ट में से कोई एक आध चीज यहां से थी, कोई वहां से थी, कोई वहां से थी, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ना ही वहां पे प्रेफर किया। और अब अगर मैं दोबारा गया तो उनका कोई सेक्शन हुआ फीडबैक वाला, तो वहां पे मैं माफीनामा लिख के डालूंगा, ठीक है, कि मुझे माफ कर दीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं होती, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात होती है। तो आगे चलते हैं, इतना ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दफा बस पढ़ लिया जो मैंने बता दिया उतना काफी आप लोगों के लिए। आप सब मोबाइल क्यों देख रहे हैं, जरूरी मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, एक तो अल्लाह अल्लाह करके बच्चा ही एक है, ठीक है, और जो एक बच्चा है वो भी शैतान है। जॉनसन्स एंड स्कूल्स हैव डिफाइंड द वैल्यू चेन एज द एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच टुगेदर क्रिएट्स अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो फिर क्या हुआ, जॉनसन एंड स्कूल्स ने इसके ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने हर कंपनी के लिए, हर मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए एक प्रिस्क्राइब उन्होंने वैल्यू चेन को परफॉर्म कर दिया, एक परफॉर्मा बना दिया, फ्रेमवर्क बना दिया कि अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल होंगी तो आप उसको वैल्यू चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें उन्होंने दो किस्म के वैल्यू चेन रखे, एक प्राइमरी वैल्यू चेन और एक सेकेंडरी वैल्यू चेन। प्राइमरी वैल्यू चेन, अच्छा ये टॉपिक है बड़ा मजे का और बड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है मैं सिर्फ उतना ही करवाऊंगा और काफी ज्यादा इसके अंदर डिटेल होती है वैल्यू चेन बनाने में। ये पुरानी वैल्यू चेन है जो आपको दी गई है यहाँ पे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जैसा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ऑपरेशंस है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स है और सर्विस है, ये प्राइमरी वैल्यू चेन है। और सेकेंडरी वैल्यू चेन में फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट आएगा, जिसको यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटीज लिखा गया। और ये पोर्टर्स की वैल्यू चेन थ्योरी है, जैसे पोर्टर्स की हमने फाइव फोर्सेस पढ़ी, इसी तरह पोर्टर्स की वैल्यू चेन थ्योरी है और ये पेपर में आती भी है। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो पहला आपके पास वर्ड लिखा हुआ है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, क्या मतलब हुआ इसका, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या हुआ, हर वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो चीजों को प्रोड्यूस करती है, या जो ट्रेडर है, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने इन्वेंटरी को मैनेज करना होता है। क्या करना होता है, इन्वेंटरी को इस तरह मैनेज करना है कि जब भी कस्टमर की डिमांड आए, जब भी कस्टमर की डिमांड आए तो वो इन टाइम उसको डिलीवर कर सके। अगर कस्टमर डिमांड उसी चीज को करेगा जिस चीज की कस्टमर को जरूरत होगी, और आप उसी चीज को प्रोवाइड कर सकते हो जो आपकी इन्वेंटरी में पड़ी होगी। अब अगर तो आप ट्रेडर हो तो इन्वेंटरी में आपके पास फिनिश गुड पड़े होंगे, और अगर आप फैक्ट्री हो तो आपके पास क्या पड़ा होगा इन्वेंटरी में, रॉ मटेरियल। तो देखिए आज के दौर में इसको कैसे करते हैं लोग, आज के दौर में इसको ऐसे करते हैं, आप जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स या जितने भी बड़ी कंपनीज में, अगर कभी इंशाल्लाह जब आप जाओगे ऑडिट फर्म में जाओगे तो ऑडिट करने जाया करोगे इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, तो वहां पे आपको फील होगा कि वहां पे जो स्टोर डिपार्टमेंट, उसको क्या कहते हैं यार, पता नहीं मेरे माइंड से स्किप हो गया, किसी कंपनी में जाओ ना जहां पे इन्वेंटरी वगैरह रखते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे माइंड से स्किप हो गया। जो वो डिपार्टमेंट है वहां पे प्रॉपर उन्होंने अकाउंटेंट्स बिठाए होते हैं, उन्होंने प्रॉपर सीरीज लगाई होती है, जैसे मेडिकल स्टोर में जाते हो तो वहां पे सीरीज लगी होती है ना मेडिसिन की, उनको फौरन पता लगता है, आप जो भी दिखाते हो उनको पता होता है कौन सी शेल्फ पे कौन सी पड़ी हुई है। उन्होंने बेसिकली कंपनीज और सॉल्ट के नाम के हिसाब से उसको सेपरेट किया होता है। ये क्या होती है, वैल्यू चेन क्या होती है, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और आपको फौरन सामान मिल जाए, वो भी इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है, ठीक है। आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर पे जाते हो तो डिपार्टमेंट स्टोर से आपने शॉपिंग की, लेकिन जो शेल्फ से चीज उठा ली वो तो कम हो गई ना,
क्या डिपार्टमेंटल स्टोर वाला बंदा आके वहां पे उसको काउंट करेगा कितने रह गए कितने नहीं रह गए, तो काम खराब है ना, टाइम लगता है। तो इसके ऊपर करते क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों ने इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया कि जैसे ही आप प्रोडक्ट को उठाओगे, उठा के अपनी ट्रॉली में रख के आप बिल सेक्शन पे देके जाओगे, बिल वाला उसको टून करेगा, वो टून करते हैं ना बारकोड रीडर से, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में से जो शेल्फ के अंदर उन्होंने इन्वेंटरी काउंट करके रखी है वो कम हो जाएगी। फिर आप लोगों ने ईओ क्यू पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है, फिर ईओ क्यू के साथ मिनिमम इन्वेंटरी और मैक्सिमम इन्वेंटरी पड़ी हुई है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर सेट होते हैं। जैसे ही शेल्फ के ऊपर खास तादाद से नीचे इन्वेंटरी चली जाती है, ऑटोमेटिकली इनबाउंड लॉजिस्टिक सिस्टम क्या करता है, ईमेल जनरेट करता है, ईमेल जनरेट करके कंपनी को भेज देता है। कौन सी कंपनी, आपने कोलगेट की ली, टूथपेस्ट ली, वो कोलगेट के मेन डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा कि भाई साहब इतने हजार टूथपेस्ट हमें भिजवा दो, कहां पे भिजवानी है, कैरेफोर में भिजवानी है, तो ऑटोमेटिकली वहां से गाड़ी चलेगी दो, एक दिन दो दिन, जितना भी उनका फिर टाइमिंग होगा उस हिसाब से आपने वो की होती है ना इन्वेंट्री कैलकुलेट, हाँ इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट किए होते हैं, कॉस्ट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो सारा उस हिसाब से गाड़ी चलती है और आपके पास आ जाती है। इस सारे प्रोसेस को इनबाउंड लॉजिस्टिक कहते हैं। वैसे आज आपको बुक से भी पढ़ाता हूं कि बुक में इसको किस तरह लिखा हुआ था कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। दीज आर द एक्टिविटीज, इधर देखिएगा, दीज आर द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद रिसीविंग एंड हैंडलिंग परचेज मटेरियल एंड कंपोनेंट्स एंड स्टोरिंग देम अंटिल नीडेड। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री को खरीदते हो, खरीद के उसको इस तरह मेंटेन करना है कि जब कस्टमर को जरूरत पड़े आप उसको ऑन टाइम डिलीवर कर सको, या मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर सको, या उसको वैसे ही फिनिश गुड उठा के प्रोवाइड कर दो। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स देयरफॉर इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सप्लायर्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जब अभी मैंने आपको उर्दू में बातें बताई सारी, इसी चीज की तो तशरीह की थी मैंने, क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस का मतलब यह है कि अगर आपको कस्टमर कोई ऑर्डर डिलीवर कर रहा है या आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपने किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर किया। अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई अहमद को देख के, अहमद एक बात याद रखते हैं, जो जितने मेरे लेक्चर आ रहे हैं ना अभी यूट्यूब के ऊपर, उनका साउंड क्वालिटी बहुत बकवास है। मुझे नहीं पता ये माइक में इश्यू है या किस चीज का इश्यू है, ये प्रॉब्लम है उमेर भाई को बताइएगा, ठीक है, मुझे उनको कॉल करके बताना, याद नहीं रहा मेरे अभी भी दिमाग में आया, उनकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपने देखे भी? चेक कर लेना जरा आज। ऑपरेशंस, ऑपरेशन क्या चीज होती है, जब आपने क्या आपके पास जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं क्या वो इतनी सफिशिएंट हैं कि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डिमांड, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके, अकॉर्डिंग टू डिमांड वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। क्या आपके पास स्किल्ड लेबर है, क्या आपके पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, क्या आपके पास सभी इन हाउस फैसिलिटीज हैं जो क्या कर सकती हैं, उस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं जो चीज आपके कस्टमर को चाहिए, तो इसको ऑपरेशनल वैल्यू चेन कहा जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, तो पढ़ते हैं बुक से। ऑपरेशंस, दीज आर द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद कन्वर्टिंग द परचेज मटेरियल इनटू एन आइटम दैट कस्टमर विल बाय। In a manufacturing company, operations might include machining, assembling, packaging, testing, and equipment maintenance. और operations में ये सभी process आते हैं जिसमें आप अपने raw material को finished good में convert करते हो, उसको proper pack करोगे, pack करने के बाद उसको manufacture पहले वैसे करना है जैसे customer की demand पूरी हो रही है, और आपके पास ये चीजें उसमें होंगी तो तभी ये चीजें कर पाओगे। फिर उसके बाद third value chain आती है outbound logistics। Outbound logistics, अब ये क्या चीज होगी भाई, inbound logistics तो पढ़ लिया ना, अब outbound कैसी होगी, ऊपर से ही देखना, इधर बता दे वैसे outbound क्या होगी, delivery of finished goods। outbound logistics में आता है B2B और B2C।
ऑनलाइन स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सपोर्ट्स, डिलीवरी टाइम, वही मैंने इतना कुछ लिखवा दिया, इसको एक्सप्लेन भी तो करना है। नहीं जी, इतना कुछ मैंने लिखवा दिया आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। मतलब क्या हुआ भाई, कस्टमर मेरा बैठा है कराची, फैक्ट्री कहां पे है? लाहौर। मेरे सारे स्टोर कहां पे है? लाहौर। क्या मैं कराची में डिलीवरी दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे कस्टमर, मेरा सारा फैक्ट्री यहां पे है, आउटलेट्स यहां पे है, कराची वालों को तो मैं जानता भी नहीं हूं। तो क्या कस्टमर कराची से आएगा मेरे पास? नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा? मैं भाग भाग के जाऊंगा लेपर्ड वालों के पास, टीसीएस वालों के पास, कोरियर कंपनी के पास, उसको कहूंगा यार अगर कराची से कोई ऑर्डर आए तो तुम वहां पे डिलीवरी कर देना, उससे पैसे ले लेना मेरे बिहाफ पे, मुझे तुम पैसे दे देना यहाँ पे अपने थोड़े से सर्विस चार्ज काट के। तो वो मान जाते हैं, वो कहते हैं हमें और क्या चाहिए। तो यहीं से किसका वजूद आ जाता है? ऑनलाइन स्टोर्स का। तो आप क्या करते हो, क्या आपकी कंपनी अपने कस्टमर को ये वैल्यू प्रोवाइड करती है कि आपका कस्टमर एक क्लिक करे, वन क्लिक टक, और आपके मेरे घर पे, आपके कस्टमर के घर पे वेरी नेक्स्ट डे वो चीज पहुंच जाए, और कस्टमर के पास फैसिलिटी हो, या तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे, या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दे, या कैश ऑन डिलीवरी कर दे। अगर तो ये सारी फैसिलिटीज हैं तो आप उसको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। जिसमें क्या आएगा, हम लोगों ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को चीज प्रोवाइड करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर्स होते हैं, वो होलसेलर्स को प्रोवाइड करता है, होलसेलर्स के पास डिफरेंट रिटेलर्स होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, वो उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोको कोला की बात कर लें, जैसे किसी कैचअप की, मेयोनीज की बात कर लें, किसी सॉल्ट की बात कर लें, आप जाते हो किराना स्टोर से लेके घर आ जाते हो, क्या कंपनी वाले डायरेक्ट किराना स्टोर को प्रोवाइड करते? नहीं, कंपनी वाले क्या करेंगे, लाहौर का एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कंपनी वाले उसको सिर्फ बेचा करेंगे, वो बल्क में खरीदेगा, कंटेनर्स के कंटेनर्स खरीदेगा सॉल्ट के। फिर उसके नीचे होलसेलर्स बैठे होंगे। होलसेलर कहां का होगा? एक डीएचए वाली साइड का होगा, एक अंदरून और वाली साइड का होगा, एक ये काना वाली साइड का होगा, ये जितने भी पेरिफेरल एरिया है इनके उन्होंने होलसेलर बनाए होंगे। वो होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर देगा। अब होलसेलर क्या करेंगे? होलसेलर के पास बाइकर्स होंगे। बाइकर्स क्या करेंगे? या पिकअप वाले होंगे। पिकअप वाले दुकान दुकान जाएंगे और उनको जाके सॉल्ट प्रोवाइड करके आएंगे, और वो सॉल्ट फिर आप लोग अपनी हांडियों में डालोगे। ये सारा काम क्या कहलाता है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अगर तो आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक स्ट्रांग हुआ, आप कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी करने के काबिल हुए, वो कैसे भी कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर, ऑनलाइन स्टोर के थ्रू कर सकते हो या फिजिकल स्टोर के थ्रू कस्टमर खरीद सकता है आके, ये सब चीजें किसमें आएंगी? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। और अगर आपकी प्रॉम्प्ट डिलीवरी हुई, जिसको Amazon प्राइम बड़े फोकस के साथ कर रहा है, Amazon प्रीमियर है या प्राइम ऐसा कुछ है, नहीं उनका वो सेक्शन है ना, मूवी सेक्शन है, ठीक है, इन्होंने प्रीमियर या प्राइम एक और बनाया था, वो 3 घंटे में डिलीवरी करते हैं ऑल अराउंड कैनेडा एंड यूरोपियन कंट्री, 3 घंटे में आपको चीज आपके पास, थोड़े से सर्विस चार्ज उसके ज्यादा है, 3 घंटे में चीज आपके पास है, कोई भी चीज डिलीवर कर लो 3 घंटे में आपके पास। ये Amazon ने एक नई बनाया था eBay को और उसके जितने भी लोकल स्टोर थे उनको टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए उसने ये जनरेट किया था, और ये उसका आउटबाउंड लॉजिस्टिक वैल्यू चेन था। कमाल था ना यार, अभी भी चल रहा है 3 घंटे में। फिर उसने ड्रोन डिलीवरी बनाई, फिर उसने कैलिफोर्निया में क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन लेस स्टोर बना दिया। आप उसमें जाते हो, उसमें कोई लेबर नहीं है, कोई लेबर लेस, वो सब लेबर लेस है। आप सिंपल जाते हो, आपके पास ऐप होती है, आप जैसे ही एंटर करते हो ऐप का बार कोड रीड, ऐसे रीड करो उसको, ऐप के ऊपर वो रीड होता है, आप अंदर चले जाते हो, जिस भी शेल्फ से प्रोडक्ट उठाओगे वो ऑटोमेटिकली उसका बार कोड रीड कर देगी। आप अपनी उसमें बकेट में रखो, घर चले जाओ, आपको बिल जैसे ही उस शॉप से बाहर निकलोगे आपको ऐप में बिल आ जाएगा, वहां पे कोई आपको बंदा नजर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में भी वो बनाने लगे हैं, तकरीबन ये बनाएंगे लाहौर में, ठीक है, आप जाओगे चोरी करके आ जाओगे, आपके ऐप में बिल आएगा, आप ऐप ही डिलीट कर दोगे, सही है, सारी दुकान एक ही दफा खरीद लोगे, उसके बाद Amazon दिवालिया हो जाएगा, फिर Amazon को कल आएगी, मैं बनाया गए थे इसी अभी खैर उन्होंने 4 स्टोर्स बनाए हैं, जो मैंने पुरानी एक केस स्टडी पढ़ी थी उसमें, अब का मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर उन्होंने ये जो टेस्ला के साथ और एक और कंपनी है वहां पे ईवी कार्स की डिलीवरी का काम करने लगे हैं, उन्होंने वैन्स बनाई है, Amazon वालों ने ऐसी बनवाई है उस कंपनी से जो इलेक्ट्रॉनिक वैन्स है, और वो क्या करेंगी, जैसे किराना स्टोर होता है ना वैसे वो मोबाइल ग्रोसरी शॉप है, क्या है,
मोबाइल ग्रोसरी शॉप, वो हर सेक्शन में, हर सेक्टर, वहां पे सेक्टर बने होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक में एक वैन खड़ी होगी, कैसी मजे की बात है। और वो ड्राइवर लेस है, उसमें ड्राइवर नहीं होगा, क्यों, वो ऑटो ड्राइव चलती है, ऑटो ड्राइवर है वो, तो वहां पे खड़ी होगी, उसको पीछे से बैठ के, जैसे ड्रोन को पीछे से बैठ के किया जाता है ना, वैसे उनको ड्राइव किया जाएगा, और हर सेक्टर में वो खड़ी होगी ब्लॉक में, और वहां से आप शॉपिंग करके आराम से घर आ सकते हो। ये क्या चीज है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। क्या चीज है, मेरा एक रेस्टोरेंट होता है, मैं उसको फूड ट्रक में कन्वर्ट करता हूं। लाइक मेरा रेस्टोरेंट है गुलबर्ग में, मैंने माल बेचना बैरिया टाउन, बैरिया टाउन से बड़ा कस्टमर आता है मेरे पास, मेरे गोलगप्पे की दुकान है गुलबर्ग में, बड़ी फेमस, ओए होए कमाल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मैं बैरिया टाउन में भी क्या मैं दुकान खरीदूं वहां पे, उसे बेहतर क्या है कि मैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक को मॉडर्न वे में कन्वर्ट करूं और मैं एक ट्रक बना लूं, या मैं एक कैरी डब्बा नहीं होता बड़ा खूबसूरत सा करके उसको, उसकी कमाल सी अपील बना दूं, उसकी अट्रैक्टिव अपील, उसके अंदर गोलगप्पे बनाऊं, एक ड्राइवर रखूं वहां पे जाए और वहां पे खड़ा हो जाए करे किसी स्पॉट पे, बैरिया टाउन की वो जो है मैनेजमेंट उसे ले ले परमिशन कि हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, इतना रेंट है मंथली, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बेचे वहीं से वापस आ गए। तो अमेरिका में ये बहुत आम है, इंतहाई आम चीज है। दुबई चले जाओ, मैंने दुबई में ये सारी चीजें देखी, वहां पे बहुत आम है ये चीजें, ठीक है, बहुत आम। वहां पे मैंने पहली दफा देखा आइसक्रीम ट्रक, मैं पागल हो गया, मैं कहूँ की शहेगी, मैं अपने फादर से पूछे इसने आइसक्रीम कहां जमाई होगी, अब्बा कहते हैं यार इसमें सी क्या बात है, इतनी इतनी बड़ी बैटरियां लगती हैं इसके अंदर, फ्रीजर रखे होंगे उसने, मेरी भी एक नई चीज सी, पुरानी बात है अभी की खैर बात तो नहीं है। तो फिर मतलब क्या हुआ, ये सब किस में आ रही है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी आपके लिए पढ़ देते हैं, दीज आर द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स बिफोर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आएंगी कि आपने किस तरह माल को जब मैन्युफैक्चर हो जाए पैक करके किस तरह संभाल के रखना है, ताकि आसानी से क्या कर सको, डिलीवर कर सको। कब डिलीवर करना है, जब कस्टमर की डिमांड आएगी। ये ना हो आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ही ऐसे किया कि एक दिन में बिके बिके नहीं तो एक्सपायर हो जाए, ऐसा हो सकता है, खराब हो जाए, आपने उसकी हैंडलिंग इतनी बकवास कर दी। डिलीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर सर्विसेज, कहां गया, फॉर सर्विसेज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स रिलेट टू डिलीवरी ऑफ अ सर्विस एट द कस्टमर्स ऑन प्रेमिसेस। तो इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो कस्टमर के प्रेमिसेस तक आपको पहुंचाने में कारामद साबित हो, उसको हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहेंगे। क्लियर हो गई बात। आज के दौर में दुनिया जिसके ऊपर लड़ रही है, कंपनीज जिसके ऊपर लड़ रही है, वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है कि हमने कस्टमर के प्रेमिसेस के ऊपर डिलीवरी भी देनी है और सस्ती डिलीवरी देनी है, दूसरी कंपनी से कम पैसों में डिलीवरी देनी है ताकि कस्टमर बार बार हमारे पास आए। फूड पांडा की बात कर लेते हैं, फूड पांडा लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर था, वो डिलीवरी दिया करता था लेकिन प्राइसेस कम होती थी। एक पिज्जा आप वैसे दुकान से किसी भी आउटलेट से लो 500 रुपए का, फूड पांडा से लो 450 रुपए का, ऐसा था। कभी यूज किया, मैंने यूज नहीं किया लेकिन सुना है मैंने बहुत ज्यादा। हाँ ऑफिस नसीब होता है, नहीं नहीं शुरू में ऐसा बहुत ज्यादा किया, फिर वो आपको एक पर्टिकुलर रेंज तक, अगर आपने 4-5 हजार की उनसे महीने की शॉपिंग कर ली फूड पांडा से, वो आपको फिर डिस्काउंट भी देते थे, फ्री की 2 डील दे दी, कुछ भी खा लो फ्री का, एक बंदे का मील, मैकडॉनल्ड मंगवा लो, कुछ भी मंगवा लो, वो एक बंदे का फ्री होगा। मैकडॉनल्ड पता नहीं मिलता फूड पांडा से कि नहीं मिलता, लेकिन बाकी जो अच्छे अच्छे हब जैसे हॉबी वगैरह है, ये फूड पांडा पे अवेलेबल है, आप इनसे मंगवा लो तो फ्री का। मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया फूड पांडा को। आगे चलते हैं जी, मार्केटिंग एंड सेल्स, 4 P's याद है, 4 P's सारे मार्केटिंग एंड सेल्स में आएंगे कि मार्केटिंग एंड सेल्स में किस तरह हम अपने 4 P's को टच पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बस इतना ही याद रखना है। सर्विस, वो मैंने लिखवा दिया आफ्टर सेल सर्विस, वो कि कंपनी वो कहती है भाई मैंने आफ्टर सेल सर्विस बड़ी कर दी, कस्टमर की टीम घर जाएगी वहीं पर सही करके वापस आएगी और उसे मिनिमम ले लेगी, अगर 1000 रुपए का काम हुआ तो उसे 200 रुपए लेके वापस आ जाएगी, ठीक है, ताकि कस्टमर हमारा खुश रहे, रिटेन रहे, और वो आगे लोगों को बताता रहे भाई एसी लेना तो ग्री का लेना, खराब हुआ मेरे घर आके उन्होंने सर्विस भी की, धोया भी और घर की सफाई भी की, और बाद में क्या किया 200 रुपए लेके चले गए। वो फलाना बंदा है उसको बुलाया था मैंने, उसने सर्विस भी की, घर में गंद भी डाल दिया सारा, पानी पानी कर दिया, और बाद में 1500 रुपए लेके चला गया। तो किसको बुलाओ, ग्री को बुलाओ। इसी वजह से कार क्या करती है, अब नई गाड़ी ले लो 1 साल तक सर्विस फ्री, नई बाइक ले लो
एक 10,000 किलोमीटर तक सर्विस फ्री या 9,000 किलोमीटर तक सर्विस फ्री, उसकी ट्यूनिंग फ्री होती है। किया हुआ कभी तजर्बा? हाँ ये होता है, सिर्फ ऑयल चेंज करने के आपको ऑयल के पैसे देना पड़ेंगे, उसकी ट्यूनिंग शूनिंग करवाओ, सर्विस कराओ, फ्री होती है। नई गाड़ी ले लो, उसकी भी सर्विस फ्री होती है। तो ये चीजें हैं जो कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी वैल्यू कस्टमर को देने की कोशिश कर रही हैं, ताकि कस्टमर उनका बार बार उन्हीं के पास आए। सेकंड हैंड गाड़ी लोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ना समझिएगा कि आप सेकंड हैंड गाड़ी नहीं ले लीजिएगा और कहिएगा किसी भी कंपनी की ले ली और वहां पर जाके कहिएगा इसको सर्विस करके दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये थे हमारे प्राइमरी वैल्यू चेन ऑब्जेक्टिव्स कह लो इनको, या प्राइमरी वैल्यू चेन कह लो इसको, कि जिनके ऊपर हर कंपनी का ईमान होना चाहिए कि अगर उन्होंने माल बेचना है और कस्टमर को रिटेंशन में रखना है। ये क्वेश्चन आया भी था पेपर में, 1, 2, 3, 4, 5 चीजों को माइंड में रखना है, रखना ही रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी और प्राइमरी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के भाई बहन ही है। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट और जो पहला हमने लिखा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है, तो फिर अलग अलग क्यों है? देखिए प्रोक्योरमेंट क्या होती है, एक प्रोक्योरमेंट होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन प्रोक्योरमेंट क्या होती है, जो मैंने आपको डिपार्टमेंट स्टोर्स में बता दिया कि ऑटोमेटिकली डिलीवरी टाइम के ऊपर आपको ईमेल जनरेट होगी और डिलीवर होकर आपके पास वो रॉ मटेरियल आ जाएगा। दूसरा होता है मैनुअल, मैनुअल में आप बंदा भेजते हो, बंदा जाता है रॉ मटेरियल वाले के पास, सप्लायर के पास, और वहां से खरीद के लेके आता है क्वालिटी चेक करके। ये जो प्रोक्योरमेंट है ये क्वालिटी चेक करने वाला प्रोसेस है, ठीक है। दीज एक्टिविटीज कंसर्न विद बाइंग द रिसोर्सेज फॉर द एंटिटी, मटेरियल, प्लांट, इक्विपमेंट एंड अदर एसेट्स। इसमें जो ये जो प्रोक्योरमेंट है ये वेरी करती है रॉ मटेरियल की डिमांड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड। अगर कस्टमर कहता है मुझे फलाना प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की प्रोडक्ट बना के दो, तो इसे कहते हैं कस्टमाइजेशन। क्या कहते हैं? तो कस्टमाइजेशन में ऑटोमेशन नहीं होती, ऑटोमेशन वहां पे होगी जहां पे कस्टमाइजेशन नहीं है। अगर ऐसी प्रोडक्ट कस्टमर खरीदना चाहता है जो बल्क में नहीं मिलती है, वो अपने लिए कस्टम मेड बनवाना चाहता है, बीस्पोक बनवाना चाहता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, फिर स्पेशली एक बंदा जाएगा मार्केट में, जाके वो मटीरियल ढूंढेगा, उस मटीरियल की क्वालिटी चेक करेगा, क्वालिटी चेक करने के बाद फिर वो उतना मटेरियल खरीदेगा जितना कस्टमर की डिमांड है, और फिर वो लेके अपने गोदाम में आएगा या अपनी कंपनी में आएगा। इस प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट कहेंगे, और इस वजह से इसको सेकेंडरी का नाम दिया जाता है, क्योंकि आज के दौर में काफी हद तक चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, लेकिन जहां पे वैरायटी ऑफ कस्टमर्स होंगे वहां पे प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ती है। नहीं नहीं, प्राइमरी का ये है कि हर कंपनी ने उसको करना ही करना है अगर तो मार्केट में रहना है, ठीक है। प्रोक्योर ये सेकेंडरी है यार, करो ना करो खैर है, एक कस्टमर लूज होगा ना ज्यादा से ज्यादा। देखो ना, मैं मिसाल देता हूँ, मैं ये टी शर्ट बनाता हूँ, मुझे कंफर्म है कि मैंने ये टी शर्ट बनानी है, मेरे पास एक क्रिसेंट का ऑर्डर आ गया, जी आपने ये ब्लू शर्ट ही बनानी है, वैसे क्रिसेंट की ब्लू ही है ना, ठीक है, उसके ऊपर क्रिसेंट का ये लोगो होना चाहिए, पीछे ये लगा होना चाहिए, यहाँ पे बैच नेम लगा होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं प्रोक्योरमेंट में जाऊंगा, मैं उनसे ऑर्डर ले लेता हूं, मैं एक बंदे के पास जाता हूं जिसके पास ये मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस होता है, मैं उससे ज्यादा कोटेशन लेता हूं, मैं कहता हूं यार ये काम है बता कितने पैसे, वो कहता है जी पर टी शर्ट 10 रुपए, मैं टीशर्ट में आगे कहता हूं जी पर टी शर्ट 13 रुपए दे देंगे। देखो कपड़ा मेरा, टी शर्ट मेरी, सिलवाया मैंने आउटसोर्स कर दिया प्रिंटिंग को, ठीक है, हाँ 10 रुपए उसको दिए, 3 रुपए मेरी जेब में आ गए, प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में आता है, और आज के दौर में जितना भी चाइना के साथ लोग काम करते हैं वो प्रोक्योरमेंट बेस पे करते हैं, क्योंकि आउटसोर्स कर रहे हैं ना। देखो पुराने वक्तों में ना आउटसोर्सिंग कम हुआ करती थी, क्योंकि लोग एक दूसरे पे भरोसा कम किया करते थे, आज के दौर में हर कारोबार आउटसोर्सिंग के ऊपर है। आप एक दुकान पे चले जाओ, किसी भी दुकान पे चले जाओ, वो बंदा कहेगा भाजी बैठो वाले सामान आंदा है, जा यार को फटके लेके आ, ऐसा होता है कि नहीं? वो बच्चे को बेचता है, बच्चा उस दुकान से कोई चीज पकड़ के लेके आता है, वो उस दुकानदार की नहीं होती, वो किसी और दुकानदार की होती है। इन सभी लोगों का आपस में एक टाई अप होता है। आप कपड़े की दुकान पे चले जाओ, मोबाइल शॉप से बहुत ज्यादा होता है, सर कह रहा मोबाइल चाहिए, फलाना मॉडल है, आओ है बैठो तुम चेक कराने, या यार पान को लेके आ, पीछे अपना गोदाम रखे हुआ है, हालांकि गोदाम नहीं होता, पीछे कोई दुकान होगी वहां से वो पकड़ लाएगा, उसमें से 150-500 इनका मार्जिन होगा, सबका ये होता है। फर्नीचर वाले ऐसा करते हैं, भाई साहब हमारे पास क्या क्या चीज चाहिए, मुझे ऐसी चेयर चाहिए, चलाए आपको दिखाते हैं, किसी और के आपको वेयर हाउस में ले जाएंगे, और वो वेयर हाउस वाले को पता होगा किसी और का कस्टमर है। इवन के ये जो दुल्हन के सूट्स होते हैं ये भी सारे ऐसे ही करते हैं। ये आउटसोर्सिंग के ऊपर चल रहा है। किसके ऊपर चल रहा है? आउटसोर्सिंग के ऊपर चल रहा है। मेरी एक दुकान है शालमी में,
मिसाल देता हूँ, मेरी शालमी में एक दुकान है और मैं बनाता हूँ दुल्हन के ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस बनाता हूँ, ठीक है, मैं कितने को बना के रख सकूंगा? तो इससे बेहतर क्या है, चार पांच मैं टांग देता हूँ, बाकी अनस्टिच पीछे पड़े होते हैं और कैटलॉग में ले लेता हूँ। अब कैटलॉग में 1000 तस्वीरें लगवा लो, कोई भी मोहतरमा आई, आती जैसे ही मोहतरमा आई, दुल्हन और उसकी वालदा या उसके वाले जो भी आते ही मैंने पकड़ा दी, यानी कि सारा बोतल पीजिए, बेशक कस्टमर है या नहीं है, मैंने पहले बजट बना के रखा हुआ बोतलें पिलानी है भाई साहब, 10,000 की महीने की बोतलें हैं मेरी, मैंने पहले क्रेट ला के पीछे रख देने हैं ठंडे होने के लिए, ठीक है, आपको एक वैल्यू चाह रहा हूँ। अब वो जैसे ही आया मैंने कहा भाई, वो छोटा मेरा जो भी हेल्पर होगा, मैंने उसे कहा बॉय पकड़ के ना बोतलें लेके आ, वो बोतलें लेके आया, मैंने उनको बोतलें पिलाई, साथ ही मैंने कैटलॉग सामने रख दी, मैंने कहा जी बहन आप बताइए कौन सा आपको सूट करेगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हम आपको ये फैसिलिटी देंगे कि आप जैसी सेलेक्ट करती हैं विद इन आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्राई करवाएंगे, तब भी मेरी बहन को पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो आप पैसे वापस ले जाइएगा, एडवांस इतना दे जाइए, 10% एडवांस है, बाकी जब आप ट्राई करके पसंद करेंगे 50% पैसे तब दे जाइएगा, बाकी डिलीवरी के टाइम पे बाकी 50% पैसे दे जाइएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, काम चल पड़ेगा। मुझे इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत है ज्यादा नहीं, मैं लाइट एसेट मॉडल पर चला जाऊंगा, मैं इन्वेंट्री पे नहीं रहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री को पास रखने की जरूरत नहीं होगी, मैं लाइट एसेट मॉडल पे, सिंपल, समझ आई बात की, शुरू करें फिर कपड़े का काम। हाँ तू मेरे साथ होएगा हेल्पर के तौर पे, मैं मेन सीट पे बैठूंगा, बंदे मैंने फंसाने हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक दफा मैं क्रिसेंट में नीचे फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ, तो जो साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव थे पता नहीं क्या नाम था, मैंने कहा यार आपने मुझे तंग नहीं करना, जो स्टूडेंट आ रहा है मैं सबको यहाँ पे सेट कर दूंगा, बस जैसे मैं कहता जाता हूँ वैसे आपने मेरी बात मान ली है, नहीं जी भाई साहब कुछ जो भी आ रहा है मैं बिठा ला लूं उसको। मैंने कहा काका किधर, ठीक है, कोई नए स्टूडेंट थे उनको नहीं पता था मैं टीचर हूँ, अब मैं उनके साथ गपशप शुरू हो जाऊँ, करना क्या आगे, यार तू ये छोड़ इसको पकड़ यार ये सब्जेक्ट सही रहेगा, चल तू मेरी बात मान, तू जितना डिस्काउंट देता हूँ एडमिशन करवा। हालांकि मैं ट्राई कर रहा था अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का, निगोसिएशन स्किल्स का, और कुछ भी नहीं था, और मैंने एक भी एडमिशन नहीं किया क्योंकि मेरा काम नहीं है ना एडमिशन करना, मैं तो वैसे ही बैठ गया फ्री बोर हो रहा था, एक बजे मीटिंग थी, मैं 11:30-12 बजे पहुंच गया, मैं क्या करूं एक घंटा पहले, तो मैं ये करना शुरू हो गया। तो तब मुझे अंदाजा हुआ भाई अगर वाकई में मैंने ऐसा सोच लिया कि मैंने एक भी स्टूडेंट को वापस ही जाने देना, तो वाकई मैं कर दूंगा, मैं हिलने भी दूंगा किसी को, कहानी ऐसे डालेंगे। चलो जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेकेंडरी क्यों है, देखो होता क्या है, अब चाइना जैसी कंट्री है, चाइना में सारी लेटेस्ट मशीन्स नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कई कंपनीज होती हैं वो पुरानी मशीन्स के ऊपर ही अच्छे कारीगर लगा के मुनासिब सी क्वालिटी प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाती हैं, ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है, पाकिस्तान में सीएनसी मशीन है उसका सिर्फ 3rd generation पड़ी हुई है, यूईटी कंपनी, यूईटी है और एक दो और कंपनीज हैं जिनमें 4th generation है सीएनसी की, ठीक है, और जापान में 8th generation तक आ गई हुई है, 5th generation को पाकिस्तान में इंपोर्ट करना बैन है, उस मशीन को क्यों बैन है वो नहीं मैं बता रहा, यूट्यूब पे जाना इसमें। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारा सेकेंडरी वैल्यू चेन इस वजह से हुआ कि आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करनी है ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, आप ऑन टाइम डिलीवरी कर सको और आपकी क्वालिटी सबसे बेटर हो, ठीक है, ये है। लेकिन चूंकि अब कई चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो हम पुरानी ही मशीन्स के ऊपर कारीगरों को ट्रेनिंग दिलवा दिलवा के वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। क्या पूरे पाकिस्तान में सभी कंपनीज फुली ऑटोमेटेड होकर आईटी सिस्टम पर ट्रांसफर हो गई हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इवन कि आप लोगों की अटेंडेंस अभी तक आईटी पे नहीं गई है, ऐसा है ना ऐसा, ठीक है, आपको एसएमएस सिस्टम आईटी पे नहीं गए अभी तक, फुली ऑटोमेटेड नहीं है। तो ये चीजें हैं जो अभी तक स्लोली एंड स्टेडीली चलती हैं, क्योंकि होता क्या है आप ऑल्टरेशन अमेंडमेंट फौरन नहीं करते, उस पर टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इस वजह से एक चीज को माइंड में जरूर रखिएगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है, आहिस्ते आहिस्ते होती है, फौरन नहीं हो सकती। इस वजह से इसको सेकेंडरी वैल्यू चेन का नाम दिया कि आपने एडवांस मशीन्स को इंपोर्ट तो करना है, आपने अप टू डेटेड मशीन्स रखनी है, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप अगर ऐसे इंप्लॉयज को रिक्रूट करते हो जो इंप्लॉई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करना जानते हैं, जो इंप्लॉई टैलेंटेड है, जो इंप्लॉई आपकी कस्टमर को रिटेन करके रखना जानते हैं, क्या उनको लूज करना चाहिए? वैसे लोग करते हैं,
ठीक है, उनको लूज तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वैल्यू चेन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट प्रोसेस वुड बी नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, के आपकी मैनेजमेंट टीम जो कि बंदों को मैनेज करती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमेशा वैल्यूएबल इंप्लॉई को, रिस्पॉन्सिबल इंप्लॉई को कभी हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि वो हाथ से जाएगा तो फिर क्या होगा, कंपनी में जो वैल्यू एडिशन हो सकता था इनर इंटरनल अफेयर्स में वो नहीं हो पाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जितनी भी कंपनीज ने तरक्की की है वो कभी अपने सीईओ के सर पे नहीं की है, अपने इंप्लॉयज के सर पे की है। यूरोपियन कंपनी कंट्रीज में जितनी कंपनीज हैं, कभी आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए उनके उस पे जाके, वेबसाइट्स के ऊपर जाके, तो वहां पे क्लियरली वो क्रेडिट अपना इंप्लॉयज को दे रहे होते हैं पाकिस्तान के अलावा। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा वन मैन शो होता है, वन मैन शो का मतलब है कि एक ही बंदे को सारा क्रेडिट, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और जैसा कि एक सेक्शन था उसमें 100% रिजल्ट आ गया, सुनी 98% सॉरी रिजल्ट आया, एक बच्चा फेल हुआ आउट ऑफ 50, उसका सारा क्रेडिट मुझे दे दिया गया कि तुमने बड़ा अच्छा पढ़ाया, ये कमाल कर दिया, 50 में से सिर्फ एक बच्चा फेल, और वो क्रैश बैच था हमारा, और सिर्फ 15 दिन का क्रैश बैच था, फर्स्ट टाइम यहां पर क्रैश बैच लॉन्च किया 15 दिन का, और जब मुझे क्रेडिट दिया गया मैं तो बड़ा खुश हुआ यार, 180 बंदा बैठा हुआ पीसी होटल में, मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मैं तो बड़ा खुश। लेकिन मैं जैसे ही स्टेज पे पहुंचा मुझे फौरन याद आ गया कि ये सारा क्रेडिट मेरा नहीं है। जिस रूम में ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना अभी अभी, जिस रूम में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये पहला रूम था इस क्रिसेंट कॉलेज में जो बना था, और उसको लड़ लड़ के बनवाया था, जल्दी बनवाइए यहां पे मैंने क्रैश पैच स्टार्ट करना है। इवन के इस रूम में ठीक से सफाई भी नहीं थी, पंखे भी नहीं लगे हुए थे, पहली क्लास मैंने फुल पसीने में पढ़ाई थी, और पहली क्लास में कोई 80 के करीब बच्चे थे, और स्वेटनिंग हो रही थी बड़ी स्पीडी, कोई एसी नहीं लगा हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग थी, थर्ड डे यहां पे एसी लगे थे। और जिन लोगों ने ये सारा काम किया, मैंने तो नहीं किया, मैं तो लेक्चर लेके चले जाता था, यहां के ऑफिस बॉयज होंगे, यहां के जिन्होंने क्लास को जब डेवलप कर रहे थे लोग होंगे, यहां की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, यहां के इलेक्ट्रिशियन, यहाँ के ऑपरेशनल स्टाफ होगा, जिन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर इस पूरे कमरे की हालत बदल दी। प्रोजेक्टर नहीं था, प्रोजेक्टर लगा दिया 2 दिन के अंदर अंदर सारा। मैं बस फोन करके कहता था यार ये हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मुझे नहीं पता, कल मैंने यहाँ पे 12 से 2 क्लास लेनी है, फोन काट देता था। ऐसा नहीं कि मैं अकड़ा था, ठीक है, मैं बीगर टीचर ये कहते थे अस्सलाम वालेकुम, कल 12 से 2 क्लास है तो काइंडली कुछ कर दीजिएगा रूम का, थैंक यू सो मच। बस अब ये सारी एफर्ट उन लोगों की है, तो खाली कंबाइंड मेरी इसमें कोई, मैंने तो पढ़ाना है ना अपना, मैं तभी भी पढ़ा रहा हूं, तब भी यही पढ़ा रहा था, तो इसमें क्या हुआ, ये क्रेडिट ऐसे ऐसे ट्रांसफर होना चाहिए। तो मुझे तब ये इस चीज का अंदाजा हुआ था, खाली वन मैन शो कुछ भी नहीं होता, वो सारी टीम जो मेरे पीछे काम कर रही थी वो सक्सेस फैक्टर था जिसने वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए। ये सीट्स ना लगती, यहां पे एसी ना लगते, यहां पे प्रॉपर लाइटिंग ना होती, प्रोजेक्टर ना होता, और पंखे ना होते, सफाई ना होती प्रॉपर, क्योंकि न्यूली पेंटेड थी और न्यूली ये सीमेंटेड थी सारी, तो ये अजीब सी स्मेल आती थी। वो बच्चा बॉय आता था, बार बार आके स्प्रे करके जाता था, इसको इस एम्बियंस को यहां पे बैठने के काबिल बनाया गया। ये सारी चीजें मिलके वो सक्सेस फैक्टर बनी, तो ये क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। फिर ये तब मुझे अंदाजा हुआ था कि अकेला बंदा किसी काम का नहीं होता, ये यानी बातें ही है कि अगर सारा क्रेडिट टीचर को जाएगा तो मेरा उस दिन के बाद से इसके ऊपर ईमान नहीं है। टीचर नहीं, बाकी जो उस कॉलेज की कोर टीम है उनका भी क्रेडिट है। चलिए जी, तो ये किसका काम होगा, ह्यूमन रिसोर्स का। अब आते हैं जी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी मॉडर्न वे में मैन्युफैक्चर, उसकी बिल्डिंग मॉडर्न स्टाइल की है या ओल्ड स्टाइल की है। अगर रिसेंट की हालत बाहर से खस्ता कर दो गवर्नमेंट स्कूलों की तरह, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कोई आएगा अंदर? नहीं ना आएगा। अभी भी इसमें काफी ज्यादा जरूरत है उसको करने की। स्कैंस की बिल्डिंग देखो, वाह वंडरफुल। इवन के पैक की बिल्डिंग देखो, ठीक है, जब मैं पैक में फर्स्ट टाइम गया ना, जब मैं पैक से पढ़ा था तो फर्स्ट टाइम गया तो मुझे उसकी बिल्डिंग बड़ी अपील करी जो गुलबर्ग में बनी हुई है। अभी भी पता नहीं वो है कि नहीं, तो मुद्दे हो गई पैक गई हो गए, तो अभी कोई आइडिया नहीं है वो है कि नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ अपील करता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में खाली बिल्डिंग नहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी ऑफ इंप्लॉयज आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स आते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सारी चीजें मिलकर जो अभी मैंने बात कही, जो कोर टीम है, ये सब कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो सक्सेस फैक्टर बनते हैं किसी भी चीज को करने का।
This relates to organization structure and its management system, including planning and finance management, quality management and information system management. ये सब चीजें मिलके final product manufacture करके delivery करने के काम आएंगे. और ये सब चीजें जब मिल जाएंगी तो इनको हम वैल्यू चेन कहेंगे. और कौन सी वैल्यू चेन? दो तरह की है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. और ये पोर्टर्स ने बनाई है. प्राइमरी पे पांच चीजें आती हैं. पांच चीजें कौन कौन सी आएंगी? ये आपके सामने है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग एंड सर्विसेज. और सेकेंडरी में कौन सी आएंगी? प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर उसके बाद बाकी जितनी मैंने उर्दू में बातें कही हैं ये सारी वैसी लिखी हुई हैं. तो आप इसको सिर्फ एक दफा पढ़ेंगे. मेन काम जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. एडिंग वैल्यू, वो जो चीजें मैंने लिखवाई हैं ऊपर, वो ग्रोसरी वाली की सारी चीजें, ये सब एडिंग वैल्यू कहलाती हैं. इनको टच पॉइंट्स लिख लो, 4.5 के सामने टच पॉइंट लिख लो, क्योंकि आप एक एक टच पॉइंट ऐड करते जाते हो, वो वैल्यू एडिशन करता जाता है. आप सिर्फ इसको एक दफा पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसको रट्टा लगाने नहीं बैठना. तो इसी के साथ मेथड ऑफ एडिंग वैल्यू, ये सिर्फ एक दफा आपने मेथड एडिंग वैल्यू और कुछ भी नहीं करना. जो इतनी ज्यादा मैंने आपको बातें बता दी वही इन्होंने एग्जांपल बना बना के उर्दू में लिखी हुई हैं. इसमें ज्यादा खुबना नहीं है. मेन हमारा काम खत्म हुआ. अब हम जब आते हैं, जब फिजिकल क्लास में वापस आते हैं, तो 4.6 से पढ़ेंगे. छोटा सा टॉपिक होगा और इसके बाद हम जंप मार देंगे अपने टॉपिक नंबर 5 की तरफ. बल्कि टॉपिक 5 तो सॉरी कर लिया हुआ है, टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा छोटा सा टॉपिक होगा कोर कॉम्पिटेंसी और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का. और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा. जैसे ही हम ईद के बाद आते हैं हमारा ये चैप्टर होगा खत्म, और फिर उसके बाद हमारा 90% सिलेबस भी खत्म. तो 14 को क्लास होगी, अब 14 को क्लास होगी. और सुन लो फिजिकल वाले, तुम लोगों ने 14 को यहां पे आना, क्योंकि 14 वाला लेक्चर यूट्यूब पे मैंने नहीं देना. फिर मैंने इसके पास पेपर्स भी करवाने हैं और वो लेक्चर यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, वहां पे उसके लिए फिजिकली आपको यहां पे आना पड़ेगा. मैसेज बेशक आया हो, मेरी मर्जी है भाई, टीचर की मर्जी होती है. ठीक है, जैसे आज मेरा लेक्चर नहीं जाएगा पीआरसी का, मैंने कह दिया नहीं जाना आज का. अल्लाह नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट से कोई लड़ाई झगड़ा या ईगो है. ऐसा है कि फिजिकल क्लास में कोई आ नहीं रहा तो मुझसे पढ़ाया नहीं गया कल भी. तो जब पढ़ाया नहीं गया तो मैं इसको इंशाल्लाह 14 को जब आप आएंगे तो मैं उस लेक्चर में उसको कवर करूंगा. ठीक है, तो ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखिएगा और फिजिकल वालों आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा. और जो यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े उनको प्लीज टेकअप जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़. कर दीजिए बंद अब.